उबू इसमें डालो, डस्टबिन में डालो। वेरी गुड, गुड बच्चा। ओके, तो GoPro स्टार्ट कर दिया गया है, कैमरा हटा दिया गया है, अब सिर्फ ब्लॉगिंग होगी GoPro से। तो मैंने हालचाल तो पूछा नहीं, कितना हो सारे? बढ़िया, आपा भी बढ़िया। तो हम जा रहे हैं जी गंगानगर, पर गंगानगर सीधे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमारे को सबसे पहले जाना पड़ेगा दिल्ली। टाइम आ गया थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी चेक करने का, देखते हैं चलते चलते में हिलता है या नहीं हिलता। हेलो, पहले हमारा गेट नंबर था 26 और बताया नहीं गया हमारे को, हमारा गेट नंबर हो गया है चेंज 21। लाइन देख रहे हो, फाइनल कॉल और चल रहा है। तो सोच लो, हमने सोचा हम भी लाइन में लग जाते हैं। वैसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 150 लोग तो हमारे से आगे खड़े हैं। करण सिंह जी से हमने बात करते करते सब्सक्राइब करवा लिया है। छोड़ना नहीं चाहिए किसी को, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, क्या कहते हैं जी? 25 पे करा, घंटी बजाइए इन्होंने, आप लोग भी कर लेना। तो दिल्ली पहुंच गए, अब यहाँ से दिल्ली से गंगानगर के लिए हमारी सवारी चेंज हो गई है, गाड़ी रेडी है, रोड ट्रिप शुरू होएगी यहाँ से। ये आपको मिलवाते हैं फैमिली का। अल्लाह चंबे दी बूटी ओ मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूक, ओ नफीस बात दा पानी लेके हर रजे हर जाई हूँ। मिलो ये ज्योति सक्कर से हटी पापी, और ये बच्चे का हमेशा पूछते रहते हो, ये है जी हीर। कहाँ गया भाऊ? आपको गाड़ी की हालत दिखा देते हैं हमारी, जब हम तीनों लोग ट्रैवल करने निकलते हैं। गाड़ी की हालत देखो, पहले उसके लिए बूबू टेडी बेयर चाहिए, पीछे ना आज हमने जगह बनाई थी, देखो कि हीर को यहाँ सुलाएंगे। अगर आपने पीछे जो डिक्की है ना, अगर आपने वो देख ली तो मेरे ख्याल से एक आध आदमी गिर भी सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ। हाँ। की रेट है लाल 120। लाल गड़े है, देखो जी ये है लाल, क्या बात है, ये तो लाल है भाई, लाल तो है। चलो आगे बताओ कैसे। पर है स्पेशल गुड़ की चाय शुगर फ्री, तो हम रुक गए यहाँ पर। ईश्वर जी ले आए हैं जी गुड़ की चाय। चाय के नाम पे तो मैं भी चाय पी रहा हूँ, क्या बात है, थैंक यू सर जी। देखो जी, हमने हिमाचल की चाय पी, हमने महाराष्ट्र की चाय पी ली, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वहाँ सब की, अब ये हरियाणा की चाय है और गुड़ की चाय, गुड़ की चाय फेमस चाय। जी अभी पहुँच गए हम स्वामी ढाबा में, पहुँचे हैं फतेहाबाद में, पर वहाँ पर ना एक ट्रक गिरा पड़ा है, तो पहले वो ट्रक देख के आते हैं, उसके बाद खाने का ऑर्डर करते हैं। देखो जी, ये जी इसमें है जी गेहूं, रे वीरे टिक गया कि भैया आ दसो भाई, गाय आ गई, गाय आ गई थी भाई, हादसा हो गया, गाय आ गई थी। तुम्हारा नाम की है? फतेह सिंह है। फतेह सिंह तो तुम्हारा? मजे सिंह। मजे सिंह, ताई मजे नाल सो रहे हो तुम? बस क्या करें यार, गाड़ी ये तो एक्सीडेंट हो गई, तो मजा ले 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 ले। ठीक है ठीक है, फिर से लगी लुगी तो नहीं? नहीं लगी नहीं है, ना लगी नहीं, गाय बच गई। गाय बच गई, चलो गाय बच गई। ये शीशा टूट गया जी, देखो हालत देखो पूरा, बाकी तो कुछ नहीं होया गड्डी से, बाकी तो उठाएगी तो बेरा पटाएगा। अच्छा, क्या तेल तूल बड़ा निकले है? तेल तो निकलेगा नीचे तो लगी। सारा डीजल वीजल है? नहीं ऑयल है, ऑयल है। चलो जी देखो जी ट्रक की हालत। ठीक है जी, बचत रह गई है,
ये था जी, इसलिए बचत रहेगी, ये माँ का आशीर्वाद, समझ रहे हो, माँ का आशीर्वाद की कितनी जरूरत है। ज्योति ने खाना ऑर्डर कर दिया है, सेव टमाटर दाल मखनी चटनी तंदूरी रोटी और हमारी न्यूज हो रही है, गार्लिक नान भी आ रहा है, मेरे को जी खीर की पिक्चर ली और मैं लोकेशन सर्च कर रहा हूँ, लोकेशन में क्या क्या आ रहा है, तेरी रेंज से बाहर जान के करेगा तू, ये छोरा हरियाणा का, समझ रहे हो जी, ऐसे हरियाणा नहीं बोलते, ठिकाना जान के करेगा के करेगा तू जान। फाइनली हम गंगानगर के चीते गंगानगर पहुंच गए हैं, यहाँ पर आके थोड़ा गंगानगर ने हमारा स्वागत ठंड के साथ किया था, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, आते ही हमने टैबलेट वेबलेट ली, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि इतने सारे बॉर्डर क्रॉस हो गए, पहले महाराष्ट्र मुंबई से निकले, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, इतना सारा क्रॉस करके हम गंगानगर पहुंचे। पर सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप फेस्टिवल के टाइम पर अपनी फैमिली के पास पहुंचते हो तो फैमिली वाले ऐसे खुश हो जाते हैं, तो आप लोग भी अगर आपका टाइम नहीं निकलता है फिर भी आप ट्राई करो कि आप फेस्टिवल के टाइम पर अपने माँ बाप के पास पहुंच जाओ किसी भी तरीके से, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप त्यौहार के टाइम पर घर पर होते हो, उनके साथ दिवाली होली या कुछ भी मनाते हो, तो आप चले जाना यार, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि घर वालों को इतनी सी खुशी तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि पूरा साल तो हम वैसे ही बिजी रहते हैं। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, किसी को तंग मत करना, किसी को पटाखे वटाखे मत चलाना, क्योंकि जब मैं छोटा होता था, छोटे होते का किस्सा है सुना देता हूँ आपको, हमारे पड़ोस में एक आंटी होती थी, उन्होंने कलर करवाया पूरे घर पर, वाइट पेंट करवाया, सूतली बम आता होता है, तो मैंने जलाया और वो ऐसे फेंका तो वो नाली में चला गया, तो नाली का पूरा कीचड़ उनकी वॉल पर आ गया, तो वो दीवार वाइट से एकदम से ब्लैक होगी, उस टाइम पे तो मज़ा आया था, पर अब मैं सोचता हूँ कि यार उन्होंने कितनी मेहनत करके कलर करवाया, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ये शरारती बच्चा थोड़ा सा हाँ अभी भी होगा, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, आराम से दिवाली मनाना, किसी को परेशान मत करना, हाथ पाथ में पटाखे मत बजाना, कोई भी नुकसान ना हो, बस जी एनआईसी का आज था दिन, एनआईसी का आज था ब्लॉग, आपका ख्याल रखो, मैं भी आपका ख्याल रखूँगा, चंगा फिर, रब रखा, मिल दे फिर छेती।